मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। आज हम EVS का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अवर नेबरहुड। देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन अवर नेबरहुड, कह रहा है कि हमारे नेबरहुड में, पड़ोस में, आसपास बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। दीज प्लेसेस आर वेरी यूजफुल फॉर अस इन वेरियस वे, कहते हैं ये प्लेसेस जो होते हैं, ये जो जगहें होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं अलग अलग तरीके से। लेट अस नो अबाउट दीज प्लेसेस, कहते हैं कि हम इन प्लेसेस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देर इज़ अ पार्क इन द नेबरहुड, कहता है कि हमारे नेबरहुड में एक पार्क होती है, मतलब हमारे आसपास कोई ना कोई पार्क ज़रूर होती है। पीपल गो देयर फॉर अ वॉक एंड हैव एक्सरसाइज, लोग क्या करते हैं पार्क में जाते हैं किसके लिए, वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। वी प्ले देयर, और हम वहाँ क्या करते हैं, खेलते हैं। देयर इज़ अ स्कूल इन द नेबरहुड, हमारे स्कूल में क्या है, हमारे नेबरहुड में क्या है, स्कूल है। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, और हम स्कूल में क्या करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अ बैंक इज प्लेस वेयर वी कीप अवर मनी सेफ, कहता है कि हमारे आसपास नेबरहुड में कोई ना कोई बैंक भी जो है वो ज़रूर होता है, और हम बैंक में क्या करते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं ताकि हमारी मनी क्या रहे, सेफ रहे। वी सेंड एंड रिसीव अवर लेटर थ्रू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी होता है हमारे घर के आसपास, तो हम पोस्ट ऑफिस से क्या करते हैं, जो लेटर होते हैं वो रिसीव भी करते हैं और लेटर सेंड भी करते हैं। वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक, हम हॉस्पिटल जाते हैं जब कभी हम बीमार पड़ते हैं। वी मेक कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन, द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई भी कंप्लेन करने के लिए, और पुलिसमैन क्या करते हैं, हमारे नेबरहुड में कोई भी लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग ऑफ डेली यूज़, हम मार्केट जाते हैं किसके लिए, चीज़ें खरीदने के लिए, वो चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं घर पे। ट्रेन डिपार्ट एंड अराइव एट द रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं जब भी हमें कहीं दूर जाना हो। वी टेक अ बस फ्रॉम द बस स्टॉप, और हम बस स्टॉप जाते हैं जब भी हमें किसी जगह पे जाने के, मतलब बस के थ्रू जब हमें जाना हो किसी जगह पे, तो हम बस स्टॉप पे जाते हैं। वी हायर अ टैक्सी और ऑटो फ्रॉम अ टैक्सी स्टैंड, हम एक टैक्सी या फिर कोई ऑटो हायर कर लेते हैं कहाँ से, टैक्सी स्टैंड से। वी अब्रॉड ऑन अ एरोप्लेन एट द एयरपोर्ट, कहता है कि एयरपोर्ट जाते हैं हम कब, जब हमें एरोप्लेन, मतलब जब हमें किसी फॉरेन कंट्री में जाना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, किस लिए, एरोप्लेन के थ्रू ट्रैवल करने के लिए। पीपल बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, कहता है कि लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं, जो मतलब कि जहाँ पे दूध मिलता है, तो वहाँ जाते हैं, मिल्क बूथ पे जाते हैं क्या करने के लिए, दूध खरीदने के लिए। द फायरमैन हेल्प इन एस्टिंग्विशिंग द फायर, एक जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारी आग में काबू पाने के लिए। फिर आता है होली प्लेसेस फॉर वॉरशिप, देर आर सम अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड, कहता है कि हमारे घर के आसपास जो है और भी प्लेसेस, कुछ प्लेसेस होते हैं, दीज प्लेसेस आर फॉर वॉरशिप, और वो जो जगह होती हैं वो किसके लिए होती हैं, पूजा पाठ के लिए होते हैं। पीपल गो देयर फॉर प्रे टू गॉड, और लोग वहाँ जाते हैं क्या करने के लिए, भगवान से प्रे करने के लिए। द हिंदू प्रे टू देयर गॉड्स एंड गॉडेस इन द टेम्पल, बोलते हैं जो हिंदू लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए। द मुस्लिम गो टू मॉस्क्यू दे प्रे देयर, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं क्या करने के लिए, प्रे करने के लिए। द सिक्स गो टू गुरुद्वारा, और सिख जो लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। दे प्रे टू देयर गुरुज देयर एंड रिकेट देयर होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब, कहते हैं कि जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ वो अपने गुरु जो होते हैं उनसे प्रे करते हैं, उनको पूछते हैं, और जो उनकी होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका पाठ करते हैं। द क्रिश्चियन गो टू चर्च, दे प्रे टू जीशु क्राइस्ट देयर, कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वो वहाँ पे जीशु, जो गॉड जीशु जो होते हैं, उन्हें वहाँ पे क्या करते हैं, प्रे करते हैं, उनकी वहाँ पूजा करते हैं। सो क्लास, ये आपका चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।